मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। कड़ाके की ठंड के बीच मुख्यमंत्री बगहा से दरुआबाड़ी गांव पहुंचे और सरकारी योजनाओं का हालचाल जाना। दरुआबाड़ी गांव की लड़कियों ने मुख्यमंत्री से स्कूल बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्रा को लेकर ट्विटर पर लिखा है कि समाधान यात्रा के तहत बिहार में विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लेने हेतु आज से राज्य के विभिन्न जिलों की यात्रा करूंगा। बताया जा रहा है कि इस यात्रा में महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण, चिन्हित समूहों के साथ बैठक तथा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की जाएगी। इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी, साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी होगा। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह 14वीं यात्रा है। वो इसके पहले साल 2005 से लेकर अब तक 13 यात्राएं कर चुके हैं। इनमें 9 यात्राएं सरकारी जबकि 5 राजनीतिक रही है। सबसे खास बात यह है कि इन 14 में से 9 यात्राएं ठंड के महीनों में निकाली गई है। नीतीश नवंबर से लेकर जनवरी तक सबसे ज्यादा यात्राओं पर निकले हैं। वहीं मुख्यमंत्री की हर यात्रा का अलग अलग नाम भी रहा है। टारगेट ऑडियंस के लिहाज से यात्राओं का नामकरण भी किया जाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा करके खुद को रिचार्ज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके सीएम नीतीश की सभी यात्राओं के बारे में जानेंगे। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तब उन्होंने 12 जुलाई 2005 से न्याय यात्रा निकाली थी। यह नीतीश की पहली बिहार यात्रा थी। लोगों के बीच जाकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाई थी। नतीजा यह हुआ कि 2005 का नवंबर वाला चुनाव भाजपा के साथ मिलकर जीता और मिलकर सरकार बनाई थी। सीएम नीतीश कुमार 9 जनवरी 2009 से विकास यात्रा पर निकले थे। यह उनकी दूसरी बिहार यात्रा थी। उन्होंने लोगों के बीच जाकर बताया कि किस किस क्षेत्र में विकास किया गया है। 7 जून 2009 से धन्यवाद यात्रा पर निकलकर उन्होंने लोगों को धन्यवाद भी दिया था। यह उनकी तीसरी बिहार यात्रा थी। 25 नवंबर 2009 से सीएम नीतीश प्रवास यात्रा पर निकले थे। यह उनकी चौथी बिहार यात्रा थी। 28 अप्रैल 2010 से नीतीश विश्वास यात्रा पर निकले थे। विधानसभा चुनाव 2010 से ठीक पहले शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य था कि जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ाना, लोगों के बीच में अपनी सरकार के प्रति विश्वास दिलाने को लेकर नीतीश कुमार ने यह आयोजन किया था। उनकी यह 5वीं बिहार यात्रा थी। 9 नवंबर 2011 से सीएम नीतीश सेवा यात्रा पर निकले थे और यह उनकी 6ठी बिहार यात्रा थी। 19 सितंबर 2012 से नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जिलों में अधिकार यात्रा शुरू की थी। पटना में मुख्य रैली भी हुई थी। इसके बाद जिलों में रैली की गई थी। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बड़ा आंदोलन भी किया गया था। यह उनकी 7वीं बिहार यात्रा थी। 5 मार्च 2014 की बात करें तो 5 मार्च 2014 से सीएम नीतीश संकल्प यात्रा पर निकले थे। यह उनकी 8वीं बिहार यात्रा थी। 13 नवंबर 2014 से नीतीश संपर्क यात्रा पर निकले थे और यह उनकी 9वीं बिहार यात्रा थी। 9 नवंबर 2016 से नीतीश निश्चय यात्रा पर निकले थे। यह उनकी 10वीं बिहार यात्रा थी। इस दौरान सीएम ने अपनी सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं, खासकर 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की थी। 7 दिसंबर 2017 से नीतीश समीक्षा यात्रा पर निकल गए थे। यह उनकी 11वीं बिहार यात्रा थी। 3 दिसंबर 2019 से सीएम नीतीश जल जीवन हरियाली यात्रा पर निकल गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था, लेकिन इसके बहाने 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी जनता का मूड भांपने की कोशिश की थी। यह उनकी 12वीं बिहार यात्रा थी। अब 22 दिसंबर 2021 से सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर निकले थे। यह उनकी 13वीं बिहार यात्रा थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा सहित समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ यात्रा की थी।
तब कोरोना के मद्देनजर इस यात्रा को लेकर कई गाइडलाइन भी तैयार किए गए थे और अब 5 जनवरी 2022 से सीएम नीतीश ने समाधान यात्रा की शुरुआत की है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजनाओं से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, चिन्हित समूहों के साथ बैठक करेंगे और जिला स्तरीय समीक्षा भी करेंगे।